वैसे तो आए थे सेंट्रियम मॉल में, लेकिन अभी हम हैं क्रॉस रोड मॉल में क्योंकि बाहर बारिश आ गई थी। झेंडा नशा नशा। What's up everyone, welcome to my YouTube channel। अभी हम लोग, मतलब मैं और रुद्र, हम लोग है अभी सेंट्रियम मॉल जाने की तैयारी में। और अभी एक्चुअल में हम क्रॉस रोड मॉल में क्योंकि बाहर ना बारिश आ गई थी और रास्ते में हमें कुछ दिखा नहीं, तो हम एकदम से यहाँ पे आ गए। अभी सोच रहे कुछ खा लेते, भूख भी लग रही है, शाम हो गई है, शाम के 4:30 समथिंग इतना बज गया है। और फिर हम लोग ने जाना सेंट्री है, और सेंट्री के बाद देखते हैं फिर सीधा डोई वाला। यहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी काफ़ी मस्त है, एकदम गाड़ी में घूम रहे हैं, एकदम कैफ़े भी है, कैफ़े कॉफ़ी डे, यहाँ पे आके आप कॉफ़ी पी सकते हो। ये रुद्र था, बहुत बदतमीज हो रहा है आजकल, हरकतें बहुत बदतमीज वाली करता है। तेरी आँखों में जो आवे मेरे नाम साहिल खान वाला लग रहा हूँ क्या? तो गाइस अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, रुद्र को यहाँ से फ़ोटो लेना था पीछे का बैकग्राउंड का, तो फिर वहाँ भी लोग फोटो खिंचा रहे थे, नहीं ले सकते। सो गाइस अभी हम बंगलो आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं यहाँ खाने और खा के फिर मिलते हैं अभी आप लोगों को नीचे। गीले हो गए, यहाँ दिख नहीं रहा होगा मेरे कपड़े में इतना गीला, और यहाँ पे थोड़ा पोस्टर अच्छे अच्छे हैं, मूवी का होगा कुछ सीन। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये वाला तो ग्राउंड फ्लोर में आ गई, फर्स्ट फ्लोर में ये सेकंड में, वो तो नीचे जा रही है अभी आएगी ना। तो यहाँ से अभी खुलता है ये पंडुबी वाली में, चलते हैं हम लोग। आज मेरे बाल साहिल खान वाले हो गए। वाह, देखो गाइस हम लोग किधर हैं, पंडुबी में। वो वाला मॉल देखना बनता है यार, देहरादून का सबसे बड़ा मॉल बोला जाता है। अभी हम आ गए हैं कॉफी पीने, यह कॉफी कैफे डे। हेलो भाई, खोल दो, मस्त लग रहा ना मैं आज। लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं भाई, अभी हम बाहर आ गए, यहाँ भी बारिश हो रही है अभी तगड़ी वाली, थोड़ा थोड़ा रुकिए बूंदा बांदी है, रुद्र बोल रहा है चलते हैं, तो चलते हैं फिर पीछे से ही निकलते हैं, देखते हैं इधर सेंट्रियो के पास। पीछे से ही निकलेंगे, कहीं से भी निकलो यार, पर निकलो यार, यार। चलो भाई रोड में आ गए, रुद्र बोलता कहीं से भी निकलो पर निकलो। उससे पहले हमें रोड क्रॉस कर लेनी पड़ेगी, दून के लोकल होने का फ़ायदा कि हमें शॉर्टकट्स पता है, तभी हम लोग के लिए बेनिफिट है। रोड क्रॉस क्यों नहीं कर रहा है, हमारी गाड़ी आपको दिखी गई होगी पुरानी सी, ये क्या था। तो गाइस मैं यहाँ पे रेनकोट लेके आना भूल गया हूँ, ये इतना खुश हो रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि अब मैं भी गीला होऊंगा, क्योंकि ये तो गीला होने वाला था। One hour later. तो गाइस सामने से गाड़ी आ रही है और हम पहुंच चुके हैं सेंट्रियो मॉल, ये है सेंट्रियो मॉल। और बारिश देखो यार, हम कीचड़ कुचड़ में आ गए, तो फिर हम लोग अभी बहुत ठंडा सा लग रहा है, बहुत गीले गीले हो गए ना तभी, और बाल मेरे साहिल खान वाले हो रहे होंगे। ओपन गंगनम स्टार गाइस, अभी हम सेंट्रियो मॉल के अंदर है और ये देहरादून का सबसे बड़ा मॉल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ देखो फ्लोर कितने हैं, तो देखो भाई मुंबई आ गया मुंबई। चलो अभी हम ढूंढ रहे हैं अपनी सबसे बढ़िया जगह, वॉशरूम, बाथरूम। तो गाइस अभी हम लोग, अभी हम आ गए सेकंड थर्ड फ्लोर में, अभी और ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ। गाइस अभी हम लोग गेम खेलने आए हैं, रुद्र और मैं, अभी कुछ खेलते हैं और उसके बाद चलते हैं और जा रहे हैं नीचे लिफ्ट में। ये है यहाँ की लिफ्ट, काफ़ी अच्छी है यार, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, उसमें नहीं गए। तो गाइस यहाँ पे पूरा फोटो शूट के लिए है, और पीछे पे भी काफ़ी अच्छा बना रखा सोशल से। वहाँ पे रुद्र ले रहा है फ़ोटो अपनी, और यहाँ पे ट्रक भी है, ये पूरा ना फोटो शूट के लिए ही बना रखा है, बेसिकली ऐसी लग रहा है फोटो शूट के लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। गाइस यहाँ पे फोटो लेने का भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे तो हम पूरे ही आ रहे हैं, लाइटिंग लगवा दी है, हम जा रहे हैं दूसरी वाली लोकेशन में, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, अभी सोशल दिखाते हैं आपको, सोशल वाले। अभी हम यहाँ पे सोशल दिखाएंगे आपको, झूला ही झूला लगा है, और यहाँ फोटो खींचते हैं थोड़ा, और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी जाना भी है देहरादून और फिर घर, अभी देहरादून में ही है, अभी मार्केट जाना है फिर घर। तो अभी रुद्र की फ़ोटो ले लेता हूँ, बेचारा बहुत देर से तड़प रहा है, तरस रहा है, और ये हम देहरादून स्टेशन है, बाहर झूले भी लगे हैं। इस एक और मस्त जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ यार, यहाँ पे थोड़ा शांति सा ही है।
वाओ। और अभी हम आ गए यहाँ खाने पीने, वॉशरूम देहरादून, वॉशरूम है तो ये वॉशरूम भी मिल गया। बेचारा रुद्र परेशान हो गया था, तो ये वॉशरूम भी मिल चुके हैं। और यहाँ ना वॉशरूम का सिर्फ नेम प्लेट रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वॉशरूम नहीं है, कोई बात नहीं। आवाज कहाँ से? तो यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं हम। और ये यहाँ से दिखता है अपना देहरादून, नीचे रैली चल रही है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस, तो ये यहाँ का वॉशरूम है और अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, सीधा चलते हैं घर। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं विंगर टनल। भैया अलग ही मजे ले रहे हैं गाड़ी के। हम लोग अब अलविदा ले रहे हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। आंधी तूफान बहुत आ रहा है यार। गाइस अभी हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं अंदर से। गाड़ी नहीं चला रहा, देख ले, चला के देख तो मैं चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा लग रहा है। अरे अभी अभी हम निकलते पहले घर, घर नहीं आगे देखेंगे, अरे पहले मार्केट देखेंगे। गाइस बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग रही थी, तो हम छोले भटूरे खाने आ गए रुद्रवर में। अच्छी भी तरह खा रहा है, और ये दो भटूरे मिले 50 रुपये में। गाइस अभी बारिश आ रही है भयंकर वाली बाहर, और हम लोग पूरे गीले हो चुके हैं, कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, हेलमेट भी गीला हो चुका है, एक ही साइड से गीला हुआ है, यहाँ से बच गया है। मेरे पीछे बैठा था, घर पहुँचेंगे तब ये पूरा गीला मिलेगा, क्योंकि अब गाड़ी ये चलाएगा ना। तो अभी हम यहाँ चाय पीने के लिए गए, तो बहुत ठंडा लग रहा है, कप कप भी उठ रही है, चाय भी निकलते। बारिश में हम लोग गीले हो चुके हैं, और अभी हम खा रहे हैं बिस्किट और चाय। आप कौन, कहाँ लगाया फोन? यूपी 078। गाइस तो अभी हम लोगों ने चाय ली, बिस्किट ली, और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यह है बिस्किट, देखो देखो, अरे ये देखो, ओ माय गॉड, धोखा दिया जा रहा है सर। गाइस ये बदतमीजी कर रहा है, बहुत गंदी बदतमीजी कर रहा है। देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ठंडा लग रहा है, पैंट उतर जाएगी मेरे कर लो। गाइस ये पैंट पूरी देख रहे हो, पूरी गीली हो चुकी है, मैंने गीला हो चुका हूँ, और हमने अभी 5-5 के बिस्कुट खा लिए हैं, तो 5-5 के बचे। The next day. तो अंधेरा हो चुका है, मैं रुद्र को घर पहुंच चुका हूँ छोड़ के, और मतलब मैंने गलत बोल दिया, रुद्र को घर छोड़ दिया मैंने, मैं घर आ गया हूँ। और आज मैं चाउमीन बना रहा हूँ, नूडल्स ये है, और सामान कुछ काटा हुआ यहाँ पे रखा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये कैबेज है, ऑनियन है, कैप्सिकम से, और ये थोड़ा सा चटनी है, और यहाँ पे हमारे पास गार्लिक का थोड़ा सा वाटर है, और ये है हमारे पास नूडल। एंड बस अभी हम प्रोसेस शुरू करते हैं एंड खाते हैं। तो भैया मैं फटाफट से आपको प्रोसेस दिखा दूँगा कैसा कैसा बनता है। यहाँ हमने आग उग जला ली है, और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो पहले फटाफट से मैं आपको टाइम लैप्स में दिखा देता हूँ कि कैसा बना रहा गाइस। फाइनली मैंने चाउमीन बना दिए, और आज मैं अपनी दोस्त के लिए भी लेके जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो आई विश उसे अच्छा लगे, टेस्टी लगे, बस इज्जत का सवाल है। तो बस वैसे तो लगेगी टेस्टी, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। तो अभी मम्मी को भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, और फिर ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। सो गाइस मैंने बना दिए चाउमीन, और प्लेटिंग मैंने कर ली है खुद के लिए, और अब खाते हैं। तो गाइज़ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे घर वालों ने मुझे कुक समझ के रख लिया है, अब उन्हें कॉफ़ी पीने का मन कर दिया है, तो अभी मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। तो फटाफट से कॉफ़ी बनाते हैं, और उसके लिए मैंने एक मतलब छोटा सा दूध, इस वाले दूध में स्मेल नहीं आती, तो इससे कॉफ़ी बनाते हैं। और उसका जो मतलब फोम होता है वो तो रेडी यहाँ कर लिया है, इसके अंदर काफ़ी थिक है। अभी देखो मैं आपको एकदम होटलों वाली कॉफ़ी बना के दिखा दूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने फोम बना के भी रेडी कर लिया है, अब इससे बनेगी हमारी मस्त कॉफ़ी। तो अभी हम कॉफ़ी रेडी कर रहे हैं, तो कॉफ़ी में अभी हम सबसे पहले दूध डाल देते हैं,
मतलब कॉफी रेडी करने के लिए दूध डाल देते हैं। और अब हमने जो ये फोम तैयार करा है, मस्त वाला फोम, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने लिया है नेस्कैफे का। तो ये हमारी कॉफी हम रेडी कर चुके हैं, क्योंकि माल तो हमारा पूरा रेडी था। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब ये हमारी एकदम जो आप होटलों में पीते हो ना, वो वाली कॉफी है। तो अब मैं सून अपना एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे कुकी समझने लग गए, और अभी मैंने उनके लिए कॉफ़ी भी बना दी एकदम मस्त होटल वाली। तो ये है कॉफ़ी, और वीडियो ख़त्म करता हूँ। दैट इज़ फॉर टुडेस व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खत्म, बाय। कॉफ़ी मस्त लग रही ना।